स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हम जो है नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। हमें जब हम रुपीस में काम करते हैं तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ता है कि उसको वर्ड्स में भी लिखना पड़ता है, तो कैसे करेंगे उसका वीडियो देखते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, उसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो आइए उसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे प्राइस है, जैसे सम है, अमाउंट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको नंबर्स को जो है कैसे वर्ड में कन्वर्ट किया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप, और भी दूसरे वीडियो देखिए, वर्ड कंप्लीट वर्ड का वीडियो देखिए, मेल मर्ज का देखिए, बायोडाटा कैसे बनाते हैं स्क्रैच से वो देखिए, रिज्यूम कैसे बनाते हैं टेम्पलेट से वो देखिए। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, नंबर्स इनटू वर्ड्स। तो अभी क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऐसी रहती है आपको कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर में जो आपके नंबर है उस नंबर को जो है आपने वर्ड में कन्वर्ट करना रहता है। तो वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए अपने पास माइक्रोज है, लेकिन माइक्रोज भी ऐसा एक सही नहीं है, तो उसकी जगह जो है हमारे पास में एक फील्ड है। सिंपली हम जो है एज ए फील्ड यूज करेंगे, और फील्ड यूज करके जो है उसको कैसे करते हैं, देखो टू इंसर्ट द नंबर और अमाउंट इन वर्ड्स, और प्लेस करेंगे कर्सर जहाँ भी हमने करना है वहाँ पर कर्सर प्लेस करने के बाद में जो है इंसर्ट और नंबर वर्ड्स करेंगे। देखिए कैसे करते हैं, तो कैसे करेंगे उसको डॉक्यूमेंट में कैसे ऐड करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर में आपको मिलेगा क्विक पार्ट्स, और उसके अंदर में जो रहेगा फील्ड्स, ये आपके स्क्रीन पर जो है इस तरह से दिखाई देगा, दिख रहा है ना आपको, ये अपना टेक्स्ट ग्रुप है पूरा। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप, इसी में यहाँ पर जो है क्विक पार्ट्स करके रहेगा, और क्विक पार्ट्स में जो रहेगा आपका फील्ड। जैसे ही आप फील्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने जो है वो इस तरह का स्क्रीन आएगा, यहाँ ढेर सारे फार्मूला वगैरह आपने, तो यहाँ आप इक्वल टू टाइप करेंगे, इक्वल टू टाइप करने के बाद में आपने जो है वो 1 2 3 4 5 / स्टार और कार्ड टेक्स्ट ऐसा आपने जो है वो टाइप करना है, और टाइप करने के बाद में ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे इसको जो है वो वर्ड्स में कन्वर्ट कर देगा, कितने हो गए 12,345 ऐसे दिखाना चाहिए, उसने इंग्लिश में लिखा, तो देखिए जैसे आप उसको करेंगे ये ऐसे आपने क्लिक किया 12,345। अब ऐसा आपने करना है, तो ऐसा आपने करने के लिए आपने क्या करना है फिर से एक बार देखिए, यहाँ क्विक पार्ट्स में आना है, यहाँ फील्ड पर आना है, फील्ड पर आने के बाद में जैसे फील्ड पर आएगा एक डायलॉग बॉक्स आएगा इक्वल टू, फिर इक्वल टू के बाद में आपने जो है नंबर लिखना है, बैक स्लैश टाइप करना है, स्टार टाइप करना है, और उसके बाद में कार्ड टेक्स्ट टाइप कर देना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद जैसे आप ओके प्रेस करोगे आपके सामने जो है ये इस तरह से उसको वो हमने यहाँ लिखा था, क्या लिखा था 1 2 3 और यहाँ 4 5 ऐसा लिखा था मैंने, उसने जो है इसको यहाँ से कन्वर्ट कर दिया है। और भी आप इसमें ढेर सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अभी यहाँ पर आपने आपको टूल बार नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे कंट्रोल F9 करेंगे, और कंट्रोल F9 करने के बाद में क्या होता है इसमें देखिए, जैसे कर्ली ब्रैकेट आ जाती है फील्ड बन जाती है, उसमें फिर आप क्या करेंगे इक्वल टू करके 1290 टाइप करेंगे, फिर उसके बाद बैक स्लैश टाइप करेंगे, फिर स्टार करेंगे, फिर कार्ड टेक्स्ट लिखेंगे। ये कार्ड टेक्स्ट जो है ये आपकी क्या करेगा, आपकी जो अमाउंट है वो अमाउंट यहाँ डिस्प्ले करने के काम में आएगा। ये करने के बाद में जो आप इस पर राइट मदर ब्राउज बटन प्रेस करेंगे और अपडेट फील्ड करेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें भी जो है ये किस किस के साथ काम करता है, तो वो लेस देन 1 मिलियन अगर रहा तो काम करेगा, पॉजिटिव वैल्यू के साथ काम करेगा, ये नोट डाउन रखिए आप आपके सामने रखिए। अभी जैसे अभी फ्रैक्शनल की एग्जाम्पल लिए हमने 51.17, तो इसको 51 लेगा बराबर। अब यहाँ पर आपने स्लैश स्टार किया था, यहाँ पर कार्ड टेक्स्ट लिखा था, कार्ड टेक्स्ट अगर कैप्स लिखा आपने तो फर्स्ट लेटर जो है आपका हर एक वर्ड का कैपिटल आएगा, वो जो आया था उसका फर्स्ट कैप लिखा है तो हर वर्ड का जो है पहला लेटर जो है वो कैपिटल आएगा, फर्स्ट कैप मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा फर्स्ट वर्ड का, और उसके बाद अपर कैपिटलाइज तो सारे के सारे जो रहेंगे वो जो इसका कन्वर्जन होकर आएंगे वो सब कैपिटल में आएंगे जितने भी कन्वर्ट होके आए थे। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर सारे एग्जाम्पल है, इजी गोल 1290 बैक्सलर स्टार कार्ड टेक्स 1290 ऐसा लिखाएगा। जैसे ही आपने कार्ड टेक्स की बजाय यहाँ बैक्सलर कैप्स किया तो देखिए इस तरह से इक्वल टू 1 2 9 बैक्सलर स्टार कार्ड टेक्स बैक्सलर स्टार कैप्स।
1290। क्या सिग्नेचर किया कि उसने हर लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर जो है कैपिटल कर दिया। किस तरह से लिखे अपन ने, इक्वल टू 1290 ऑब्लिक स्टार कार्टेक्स ऑब्लिक स्टार कैप्स। अब फर्स्ट कैप लिखा है, तो फर्स्ट कैप की एग्जांपल है सेव ऐसी, ये तो यहां तक के सेम एग्जांपल लिखे हमने, उसके आगे फिर बैकस्लैश करके फर्स्ट कैप, सिर्फ 1000 की जगह 1 ही कैपिटल आएगा। फिर यहां पर आपने अपर कर दिया ये, तो अपर की जगह क्या आ जाएंगे, अपर आ जाएंगे, सारा का सारा जो लिखा हुआ मैटर अपर में आ जाएंगे। प्रैक्टिकल में करके बताता हूं, लोअर इसी तरह से जो है ऐसे यहाँ लिखेंगे अपन, लोअर लोअर आएगा, और रोमन लिखेंगे तो रोमन स्टाइल में आएंगे, ऐसे रोमन स्टाइल देख लीजिए। अभी वर्ड स्टार्ट करते हैं, वर्ड स्टार्ट करने के लिए मैंने कोर्टाना पे क्लिक किया, यहाँ पर वर्ड लिख दिए, जैसे वर्ड लिखेंगे आपके पास जो वर्ड होगा ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास में 2016 है, ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में देखिए इसको एक न्यू ले लेते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ उसको, उसको सेंटर कर देता हूँ आपको सेंटर बताने के लिए, थोड़ा फॉन्ट भी बड़ा कर देता हूँ समझने के लिए। अब देखिए हमने कहाँ पढ़ा था उसको, इंसर्ट, इंसर्ट में कहाँ पढ़ा था हमने, टेक्स्ट के अंदर में, टेक्स्ट में कहाँ पढ़ा था, क्विक पार्ट्स में। यहाँ क्लिक करें, क्लिक करने के बाद में फील्ड्स लिया, फील्ड्स लेने के बाद में यहाँ पे फार्मूला आ गया आपका, बराबर कर गया है फील्ड्स फार्मूला, क्लिक द बटन टू सेट द एडवांस फील्ड ऑप्शन, यहाँ पर फार्मूला आ गया आपका। और फार्मूला आने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर 1290 backslash start card text, ओके देख ली। और से देख क्या करें हमने, क्विक पार्ट्स फील्ड्स फार्मूला, और लिखने के बाद में यहाँ बोलेंगे 1 2 3 4 5 जो भी आपके अमाउंट है वो लिखा, बैक स्लैश किया, स्टार किया, और उसके बाद में इसको जो है कार्ड टेक्स्ट, कार्ड टेक्स्ट लिखने के बाद में ओके कर दिया। देखिए आपके साथ बड़ा कर देता हूँ आपको समझने के लिए, और एक एग्जांपल लेंगे इसके अंदर में, फिर से आएंगे इंसर्ट में आएंगे, क्विक पार्ट्स में आएंगे, फील्ड्स में आएंगे, फार्मूला में आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1290 backslash star card text, राइट एंटर कर दिए, देख ले। अभी एग्जांपल हमने देखे, अब इसके बाद में जो है कैपिटल वाले एग्जांपल देखते हैं। अब कैपिटल वाले एग्जाम्पल जो है कीबोर्ड से देखते हैं, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, कंट्रोल F9 प्रेस करना है, कीबोर्ड से इधर गए F8 F9, जैसे मैंने यहाँ काउंटर F9 किया, देखिए यहाँ आएगा इज इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 1290 backslash star card text backslash star किधर गए caps, ठीक है। ये लिखने के बाद में क्या करना है, इसको राइट माउस बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड से करने, और अपडेट फील्ड कर देंगे। जैसे अपडेट फील्ड करेंगे, देखिए आपने क्या किया है 1290 कैसे किया कैप्स, तो इसने आपको कैप्स दिखा दिया करके, ठीक है। अब दूसरी और एग्जांपल लेते हैं, इसी में कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे इज इक्वल टू लिखेंगे 1290 backslash star 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 card text backslash star और अपर, देखिए अपर कर दिया, राइट माउस बटन प्रेस करें अपडेट फील्ड कर दिया, देखिए ये अपर में आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग जो हमारे नंबर से उन नंबर को जो है हम वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने अब चीजें सिखाई है वो इसके बाद में हम देखेंगे फिर टोटल कैसे करते हैं इसको, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है कि हम जो है जो भी नंबर है उस नंबर को वर्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेते हैं न्यू फाइल के अंदर में करते हैं, एक टेबल इंसर्ट करते हैं। आज मैं आपको उसको सम कैसे करते हैं वर्ड में
टोटल कैसे करते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूँ। तो देखिए टेबल इंसर्ट कर ली यहाँ पर, यहाँ पर हमने टेबल लिया है, तीन रो सॉरी तीन कॉलम लिए हैं। पहला जो कॉलम है मेरा वो सीरियल नंबर है, बराबर पहला कॉलम पे सीरियल नंबर लिया, दूसरे में जो इसके सब्जेक्ट लिए, तीसरे में इसके मार्क्स ले लिए। ऐसे कि यहाँ पर सीरियल नंबर वन, मार्क्स, सब्जेक्ट वन, और सब्जेक्ट वन में उसको 100 में से जो है 56 मिले। ये नहीं करने का, टैप प्रेस करने का, नंबर टू, सब्जेक्ट टू, मार्क्स 75, उसके बाद में सब्जेक्ट थ्री, फिफ्टी। अब देख लीजिए ये जो है यहाँ पर, इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सेल में जाना पड़ता है, फिर टोटल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर टोटल के लिए डायरेक्ट कल के ऐसे करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, आ गए इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, क्विक पार्ट्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ फील्ड पे क्लिक करेंगे, और यहाँ फार्मूला लेंगे, फार्मूला सम अबव। देखिए यहाँ पर ये आप टाइपिंग भी कर सकते हो, पर यहाँ देख लीजिए आप, ओके प्रेस करते से क्या करेगा, टोटल कर देगा 56 प्लस 75 प्लस 50, राइट। इसी तरह से जो है आपने जो है यहाँ सम किया है, टोटल निकाला है, इस तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हो। इसी टेबल को मैं कॉपी करता हूँ, आप कॉपी ना करिए, आप जो है लिखिएगा। कॉपी किया है यहाँ पे, कॉपी करने के बाद में यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, इसी को यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ कंट्रोल F9 की तरह, F9 इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इन ब्रैकेट, इन ब्रैकेट क्या करेंगे अबव, इसका जो है एवरेज निकालेगा, लिख रहे हैं यहाँ पे, और राइट माउस बटन प्रेस करके अपडेट फील्ड कर देंगे। जैसे अपडेट फील्ड किया आपने 60.33, इस तरह से जो है आप टोटल कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, या जो भी आपने फार्मूला लिखना है वो आप फार्मूला यहाँ कर सकते हो। मैंने कैसे किया यहाँ पर देखा आपने, पहले यहाँ मेनू से किया और फिर यहाँ पे कंट्रोल F9 प्रेस करके। वापस से एग्जाम्पल लेते हैं, आप कॉपी पेस्ट ना करें, बस आप जो है वो टाइपिंग करिए, तो टाइपिंग करने आपके टाइपिंग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करना है, हमने कुछ और निकालना है, कोई और फंक्शन लेना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करिए, क्विक पार्ट्स में फील्ड में जाइए, और यहाँ इतने सारे फंक्शन है आपके पास, ढेर सारे, यहाँ फार्मूला पे क्लिक करिए, और इक्वल टू करने के बाद में आपने क्या लेना है, अभी सम है, एवरेज है, मैक्स है, मिनिमम है। मैक्स अबाउ बराबर है, ओके कर देंगे। अब इसमें से आपको सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट में मार्क मिले, मैक्स, मैक्सिमम मार्क्स, अरे तो तीन है करके हमारे समझ में आ जा रहा है, हज़ारों इसमें से क्या समझाएं। इसमें से आपको मिनिमम कितने मिले हैं, तो इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर एक नेक्स्ट टेबल लेंगे, इसके अंदर में मैं यहाँ इसको मिनिमम निकालूंगा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर कंट्रोल F9 बराबर है इज इक्वल टू, ये सब डिलीट कर देंगे जो भी था, इज इक्वल टू क्या करना है आपको, मिनिमम ऑफ अबव, अबव करें, लेफ्ट करें, राइट करें, ये सब आप ऐसे कर सकते हैं, अबव है तो अबव, लेफ्ट है तो लेफ्ट, राइट है राइट, राइट माउस बटन प्रेस करेंगे अपडेट फील्ड कर देंगे। इसमें जो है मिनिमम मार्क, यहाँ पर मिनिमम कर देंगे मिनिमम। तो इस तरह से हमने आज सीखा है भाई कि किस तरह से आप वर्ड के अंदर में जो है टोटल कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, मैक्सिमम ऑफ निकाल सकते हो, ऐसी तरह से आप लेफ्ट राइट अगर एक से ज़्यादा है यार, ऐसे इसमें रहता है ऐसे, फॉर एग्जांपल एक टेबल लेते हैं लेफ्ट, लेफ्ट की एग्जांपल बताने के लिए, इसी को क्या करते हैं एक टेबल और बनाते हैं जिसमें जो है वो ये लिए यहाँ पे, यहाँ पर ले लेंगे स्टूडेंट नेम, यहाँ ले लेंगे सब्जेक्ट वन,
वन स्प्लिट सेल कर देंगे इंसर्ट कॉलम ले लें सब्जेक्ट टू ये सब्जेक्ट टू कर दिया ये सब्जेक्ट थ्री यहाँ सब्जेक्ट थ्री कर दिया है। अब यहाँ पर ले लिया है नाम लिखा है राफे अहमद खान राफे अहमद खान ये पहले स्टूडेंट का नाम दे डाल दिया हमने यहाँ पे ये सब्जेक्ट वन के ये सब्जेक्ट टू के और ये सब्जेक्ट थ्री राफे को सब्जेक्ट वन में कितने मार्क मिले हैं 75, 56 यहाँ पे मिला 65। इसी तरह से जो है बाद में इसके टोटल वगैरह बता दो। राफे अहमद खान हो गए अम्मार अहमद खान इनको मिले 65, 45, 79 सब्जेक्ट थ्री में। इसी तरह से है आनंद कुमार इनको मिले 65, 45, 45 इस तरह से ये है। तीन और दो चार ले लेते हैं असलम शेख सलम शेख को मिले 55, 56, 76 और एक डाल देते हैं सोहेल सोहेल को 75, 45, 56। अब यहाँ पर जो है एक हमने जो स्टूडेंट्स के लिए बना लिया स्टूडेंट की मार्कशीट बना ली इस तरह से। अब यहाँ आगे क्या करेंगे इसको एक कॉलम इंसर्ट करेंगे इधर इंसर्ट राइट में एक लेंगे। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं टोटल निकाल रहे हैं सबके टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के लिए क्या करेंगे अब फिर से फार्मूला लेंगे इजी इक्वल टू अब यहाँ लिखेंगे हम कंट्रोल F9 इज इक्वल टू लेफ्ट सम एंड ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज यहाँ पर जो है इसको अपडेट कर देंगे अपडेट ये देखिए लेफ्ट का सेम ऐसे ही सबको करेंगे एडिट के फॉर्मूला सम ऑफ लेफ्ट देख रहे हैं यहाँ पर पेस्ट किया राइट माउस बटन प्रेस किया एडिट फार्मूला गया एडिट फार्मूला फील्ड किया फार्मूले में गया ये देखो लेफ्ट तो ये सब लेफ्ट का जो है वो यहाँ से करिए इंसर्ट करिए यहाँ से फील्ड करिए फार्मूला करिए लेफ्ट का लेफ्ट बाय डिफॉल्ट अबाउ रहता है तो ये लेफ्ट दिख रहा है आपको या इसको कॉपी करो कंट्रोल सी कंट्रोल वी राइट माउस बटन प्रेस करो एडिट फील्ड करो फार्मूला पे क्लिक करो ओके कर दो ये अभी आपने क्या किया यहाँ पर सभी के टोटल मार्क्स निकाले इसी तरह से जो है वह आप इसका परसेंटेज निकालिए एवरेज इंसर्ट कॉलम राइट अभी यहाँ हम क्या करेंगे परसेंटेज परसेंटेज निकाल रहे हैं तो परसेंटेज के अंदर में मैं इनको क्या करता हूँ एवरेज कर लेता हूँ कंट्रोल ऑफ नाइन इज इक्वल टू एवरेज ऑफ लेफ्ट देखिए लेफ्ट का एवरेज करेंगे राइट माउस बटन प्रेस करके इसको अपडेट कर देंगे ये लेफ्ट है। तो इसी तरह से जो है आप सारे फार्मूले बनाते रहिए फार्मूले बनाकर जो है आप ऐसे काम करते रहिए एवरेज निकाला है मैंने यहाँ पे कंट्रोल वी कंट्रोल सेट कंट्रोल वी और इसको जो है अपडेट फील्ड कर देंगे बस अपडेट फील्ड फार्मूला ओके राइट अपडेट फील्ड सॉरी एडिट फील्ड फार्मूला ओके ये भी राइट माउस बटन प्रेस करेंगे एडिट फील्ड फार्मूला ओके ये आप डायरेक्ट टाइप करो जैसा आपको सूट करता है जो प्रोसीजर आपको फॉलो करना है वो करिए मैंने सारे प्रोसीजर आपको बता दिए। तो इस तरह से जो है आप वर्ड में भी एक्सेल के ऐसे काम कर सकते हो
टोटल कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, परसेंटेज कर सकते हो। आई होप आपकी जो है ये सब समझ में आ गया होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा तो मैंने चीजें समझे। बाकी जो मैंने पढ़ाया वो आप करके देखिए किस तरह, जहां आपका अमाउंट रुपीज में पैसे में काम होता है, जहां आपको अमाउंट को जो है चेंज करना है वर्ड्स में, तो देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से, दूसरा एक वीडियो मिलकर। थैंक यू।